आपके खानदान का चिराग आने वाला है। कौन चिराग? मेरे खानदान में मैं किसी चिराग को नहीं जानता। अरे क्या कर रहे हो? क्यों मम्मी से? नो 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 नो, तालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे लिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम तो बहुत मोटी हो गया, मेरे जैसे स्लिम नहीं रहा। नो 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 नो। माँ बनने वाली हो ऐसा लग रहा है। गैस से कोई माँ बन सकता है क्या? हाय, गुड मॉर्निंग नील हर्ट्स। आज तो सच्ची में गुड मॉर्निंग है, क्योंकि गुड न्यूज यहाँ पर है। आज 24 आवर्स मैं प्रेग्नेंट गर्ल बन के रहने वाली हूँ, मतलब कि मैं डबल हो गई हूँ, है ना बेबी? हाँ मम्मी। तो आज के वीडियो में तो डबल धमाका होगा, तो लाइक भी तो डबल होना चाहिए, है ना? बिल्कुल कंजूसी मत करना गाइस, 100 के लाइक तो कर ही दो, मेरे लिए नहीं सही तो मेरे बेबी के लिए ही कर दो। यार मैं तो मेरे पति देव को बताना ही भूल गई। चलो 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 जल्दी जाके बताते हैं। सो गाइस, मेरा ये दुल्हन वाला लुक तो आपने देखा ही होगा। यार आपको तो पता है कि मुझे तो मेकअप करना बहुत पसंद है और मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ, बट मेकअप रिमूव करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लास्ट कुछ दिनों से मैं यूज कर रही हूँ वाओ विटामिन सी माइसेलर मेकअप रिमूवर। यार इससे पहले तो कभी भी इतना हेवी मेकअप वो भी एक ही बारी में रिमूव करना इतना आसान कभी नहीं हुआ। ये माइसेलर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो मेकअप के सारे ट्रेसेस रिमूव कर देता है। ये मेकअप को पोर्स को क्लॉग नहीं करने देता एंड इनको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। तो मेकअप के सारे ट्रेसेस को रिमूव करने के साथ साथ ये डीप सीटेड इम्प्योरिटीज एंड ग्राइम को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन्स एंड कलर भी नहीं है। इसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नेचुरल एक्टिव्स है, ये पीएच बैलेंस्ड है। इसके अंदर विटामिन सी है जो एक वाटर सोल्युबल विटामिन है एंड बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन के डार्क स्पॉट को रिमूव करके स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो हमारे स्किन से जेंटली रिमूव करता है सारे डेड स्किन सेल्स को। साथ ही में इसमें प्रो विटामिन B5 है जो कि हमारे स्किन रिन्यूअल प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है एंड स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। सो गाइस, आपने देखा ही कि वाओ का विटामिन सी माइसेलर मेकअप रिमूवर यूज करके मेकअप रिमूव करना कितना ज्यादा इजी हो गया है। तो अभी से तो सोने से पहले मेकअप रिमूव करना ही पड़ेगा। Sleep tight, let your skin breathe all night and wake up like a sunshine. And say hi to the Wow Makeup Remover for all your post-makeup hassles. Wow ने Green Hand Initiative लिया है, so Wow के हर पैकेज के साथ ये सीड पाउच आता है। आप इसको प्लांट करके एक प्राउड प्लांट पेरेंट बन सकते हो। Plant seeds, go green and be Wow naturally. अजी सुनते हो? सुनता क्यों नहीं है? इतना जोर जोर से चिल्लाओगे तो बहरा भी सुन पाएगा। आपको एक गुड न्यूज देना है। कौन सी गुड न्यूज? हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। क्या फिर से मेहमान? अरे पिछले हफ्ते ही तो तुम्हारा मायके से मौसी आया था, एक हफ्ता रह के गया, पूरा राशन खत्म करके गया और नहीं चाहिए मेरे को मेहमान। मेरे मायके से नहीं, आपके खानदान का चिराग आने वाला है। कौन चिराग? मेरे खानदान में मैं किसी चिराग को नहीं जानता। अरे बुद्धू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? अरे बेबी तुमको याद है कुछ दिन पहले तुमने तरबूज खाया था, उसके साथ साथ उसका सीड्स भी खाया था, कहीं तुम्हारे पेट में तरबूज का पेड़ तो नहीं हो गया ना? बड़ा हरामी हो बेटा। थप्पड़ लगाऊंगी। ये देखो हर वक्त मेरे को मारता रहता है। देखो तुम लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब मत करना, ये हर वक्त मेरे को मारता रहता है। बेबी सब्सक्राइब करना है ना? हाँ मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। सब्सक्राइब कर देना, बेबी ने बोला।
बापरे पीमा। गाइस आपको तो पता है कि मेरी सासू माँ इतने दिनों से मुझे कितना मेहनत करवाती थी। आज तो मैं सारी चीजों का एकदम चुन चुन के बदला लूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे थोड़ा चाय दे दीजिए प्लीज। देखो अब कैसे कैसे मैं बदला लेती हूँ। ठीक ठाक बना है, उतना भी अच्छा नहीं। ठीक ठाक था, उतना भी अच्छा नहीं बना। बेबी बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। पर मुझे तो ये नहीं चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं चाहिए। मगर क्यों, लड़का चाहिए ना। मुझे लड़की चाहिए। अरे नहीं, मेरे को तो लड़का चाहिए। मुझे लड़की चाहिए। नहीं लड़का चाहिए। मुझे लड़की चाहिए। लड़का चाहिए। नहीं मुझे लड़की चाहिए। बोला ना लड़का चाहिए। मुझे लड़की चाहिए। नहीं मुझे लड़की चाहिए। नहीं मुझे लड़की चाहिए। नहीं मुझे लड़की चाहिए। अरे अरे बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। अभी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा ऑलरेडी दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। गुस्सा तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मत गुस्सा करो बेबी। मेरा दिमाग ठंडा करने के लिए भी मुझे बहुत सारा आइसक्रीम चाहिए। मैं अभी लेके आता हूँ, रुको। एक नहीं बहुत सारा आइसक्रीम। अच्छा ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ, रुको। A few moments later. एक मेरे लिए और एक मेरे बेबी के लिए। अरे क्या कर रहे हो। क्यों मम्मी जी, मैं तो रील्स बना रही हूँ, डांस कर रही हूँ इंस्टाग्राम के लिए। फिर से शुरू हो गया, तुमको मालूम नहीं है इस टाइम में नहीं करना। तो फिर क्या करूं मम्मी जी। देखो तुमके ऐसा चलना है। कैसा? नो 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 नो। कैसे चलना है। ठीक है मम्मी जी। सो गाइस आप तो देख ही सकते हो, ये जो मेरा छोटा सा क्या बोल सकते टमी है ना, टमी छोटा सा, तो इस पे ना बहुत सारा काम कर पाती हूँ मैं। कभी भी मुझे कुछ पीना हो तो इस पे रख के पी लेती हूँ। ऐसा हैक ना आपको 5 मिनट क्राफ्ट्स में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं ही दिखा सकती हूँ। मम्मी जी खाना दे दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। ले लो खाना। बस एक प्लेट से क्या होगा मम्मी जी, मैं तो भी डबल हो गई हूँ ना, तो मुझे तो डबल खाना चाहिए। ये लो, ठूस लो। थैंक यू मम्मी जी। मिका,
अच्छा मम्मी जी, मैं क्या बहुत मोटी हो गई हूँ क्या? मेरा पति अभी मुझे बिल्कुल भी क्यूट ब्यूटीफुल कुछ नहीं बोलता, हमेशा मोटू रसगुल्ला गोलगप्पा ये सब बोलता है। मैं क्या अभी पहले जैसी नहीं रही, बहुत मोटी हो गई हूँ क्या? हाँ तुम तो बहुत मोटी हो गया, मेरे जैसे स्लिम नहीं रहा। नो 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 नो, मैं मोटी हो गई हूँ? रुक जाओ दिखाती हूँ मैं सब। मम्मी जी मुझे बहुत उल्टी आ रही है। सकता मैं सुंदर थी हूँ एंड हमेशा रहूंगी। मैं इतनी सुंदर में क्या करूँ गाइस? बट यार मेरे जैसे मेरे बेबी को भी तो मुझे सुंदर बनाना पड़ेगा ना। सुंदर बनाते हैं चलो। A few moments later. Oh my god, अरे मैया! अरे क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? मैं तो बस हमारे बेबी को सुंदर बना रही थी मेरी तरह। अच्छा सुनो ना, मुझे ना खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है, शॉपिंग मॉल लेके चलो मुझे, बहुत मन कर रहा है मुझे खट्टा खाने का। शॉपिंग मॉल जाने से पहले अपना शक्ल तो ठीक कर लो, पूरा चुड़ैल लग रही हो तुम। नौटंकी, आज तो मैं सारा शॉपिंग मॉल ही खरीद लूंगी। यार कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जिस चीज को भी मैं देख रही हूँ मेरे को भूख लग रही है। यार क्या करूँ, सारा का सारा चीजें उठा लूँ। यार यहाँ पे मुझे अचार दिख गया, ये बड़ा सा बॉटल तो मुझे लेना ही है, कितना अच्छा स्मेल कर रहा है यार। और भी अचार ले लेते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार अचार खाना, कुछ भी खट्टा दिख रहा है मैं तो उठा लूंगी। आज तो लग रहा है कि पूरा शॉपिंग मॉल ही मैं घर लेके ही जाऊंगी। कितना अच्छा स्मेल करता है यार, अब स्मेल करके मुझे भूख लग गई। साथ में ना थोड़ा सा स्लाइस भी ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भी पी लूंगी और मेरी सासू माँ को भी पिला दूंगी। और कुछ लेना है क्या मेरे पति के लिए? एक चिप्स ले लेती हूँ पति के लिए, उसके लिए इतना ही काफी है, और कुछ नहीं लेना है। जल्दी उठो जल्दी उठो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। गाइस मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, तो आप तो मेरे लिए जरूर प्रे करो, वन प्रेयर मतलब वन लाइक, तो प्रे करो जल्दी जल्दी। और हाँ कमेंट में बताओ कि मुझे लड़की होगा या लड़का, आपको क्या लगता है? और सब्सक्राइब तो जल्दी करो, मेरे बच्चे को सबसे पहले तो मैं आपसे ही मिलवाऊंगी। तो यार जल्दी मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में, आपसे मिलती हूँ बाद में एकदम बेबी के साथ। बाय।